अपने फिरंगी पार्टनर्स और लोगों को बेचकर अरबों डॉलर कमाई। करालवा के पास कौन ही सस्ती चीज नहीं होत है ससुरे, दिमाग चला। दरअसल मेरी मेरा जो जन्म हुआ था वो जगह बहुत ही अनूठी थी। अनूठी इसलिए क्योंकि वो जगह जो थी वो मुंबई में जगह है, वो जिसे सहार विलेज कहते हैं, सहार गांव, यानी वो अंधेरी और विले पार्ले के ऑलमोस्ट बाउंड्री पर है। पर दरअसल उसकी जो बाउंड्री है वो अपने मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अभी सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, तो मेरा घर उसके बाउंड्री को लगकर था। तो मेरे घर के बाजू से ही सारे हवाई जहाज आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। और वो आवाज सुनकर तब हम एरोप्लेन का या एयरक्राफ्ट का मेक बता देते कि ये बोइंग 707 है, ये बोइंग 747 है। तब प्लेन्स थे डकोटा, एवरो, फिर बाद में एयरबस आई, तो हमें आवाज से ही पता चलता था कौन सा एयरक्राफ्ट है और कौन से कंट्री का है। ये देखने के लिए मैं छोटा था तो मैं मेरी खिड़की के ऊपर कूद जाता था और आता हुआ प्लेन देखता था, फिर पता चलता था कि ये इटाली का है, ये एयर फ्रांस है, ये गल्फ है, ऐसे। तो तभी से शायद मेरे मन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की या अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ जुड़ने की एक तमन्ना पैदा हुई। और मैं छोटा था तो खत लिखता था इन एयरवेज को कि आप मुझे अपनी इंफॉर्मेशन भेजिए, आप क्या करते हैं, जो मतलब काफी छोटा था मैं। और तब मैंने पेनपाल्स भी बनाना शुरू किए थे, जो बाहर गांव के होते हैं, पेन फ्रेंडशिप जो होती है वो करते करते मेरी जो एक्टिंग की तालीम है वो मेरे घर से ही शुरू हुई। मेरे पिताजी जो थे वो, उनको शौक था एक्टिंग का और वो अपने हमारे कॉलोनी में और अपने पोस्ट, वो पोस्ट में पोस्ट मास्टर थे, तो पोस्ट के जो ड्रामेटिक्स होती थी उसमें वो हिस्सा लेते थे और वो बहुत ही अच्छे एक्टर थे, तो उनका बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। और सारी जो रिहर्सल्स हुआ करती थी वो मेरे घर में होती थी, घर में या हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर। तो वहाँ बचपन में हम सब ऑब्जर्व करते थे कि कैसे डायरेक्शन होता है, एक्टिंग कैसे करते हैं, और जो भी एक्टर होता था उनकी, छोटे थे तो मिमिक्री किया करते थे। तो जब उनकी रिहर्सल खत्म होती थी या बीच बीच में जब ऐसे कोई फैमिली गेट टुगेदर या फ्रेंड्स एंड फैमिली का गेट टुगेदर होता था तो सब बड़े हमको कहते थे कि हाँ ये छोटे सब मिमिक्री करेंगे या एक्टिंग करके दिखाएंगे, तो हम उनकी नकल उतारते थे और उन्हें वो उससे बहुत खुशी होती थी। तो पहला ड्रामा जो मैंने डायरेक्ट किया था तब मेरे ख्याल से मेरी उम्र 10 या 12 साल की होगी। दो चीजें मुंबई की बहुत अच्छी थी मुंबई में रहते हुए। एक चीज ये थी कि उस समय गेट टुगेदर्स हुआ करते थे घरों घरों में, जैसे आपके फ्रेंड्स है वो आते थे, नेबर्स तो आते ही थे, पर जो दूर फ्रेंड्स रहते वो सैटरडे को सब रात शाम को इकट्ठा होते थे और फिर हमारे घर पर वो हारमोनियम, तबला, ऐसा सब लेकर सब बैठ जाते थे और सबको कहा जाता था कि किसी को गाना है तो आप गाइए, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई फोक, जो कुछ लोग गांव से आए थे तो वहाँ का फोक वो वहाँ पर प्रेजेंट करते थे और बच्चों को भी कहा जाता था कि आप कुछ करो। तो तब से मुझे गाने का और एक्टिंग का और मिमिक्री का शौक बचपन से ही लगा हुआ है। और उस समय दूसरी बात जो थी वो थी गणेशोत्सव। गणेशोत्सव मुंबई में अब भी होता है, पर उस समय जो गणेशोत्सव होता था वो 11 दिन का होता था और 11 दिन हर दिन एक ना एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, ऑर्केस्ट्रा होता था, ड्रामा होता था, फिर लोकल टैलेंट को बढ़ावा दिया जाता था, उसमें मोनो एक्टिंग, मिमिक्री, सिंगिंग, डांसिंग, हर तरह की कॉम्पिटिशन्स हुआ करती थी। और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वो एक सालाना प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहां आप जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते थे। तो हम बच्चे वेट करते थे कि कब नेक्स्ट गणेशोत्सव आएगा और कब हम कुछ परफॉर्म करेंगे। तो एक तो ये घर का माहौल जो कला से रिलेटेड था और ये गणेशोत्सव, उससे मेरी रुचि ड्रामा में ज्यादा बढ़ी,
ड्रामा करते करते ड्रामा में एक्टिंग करने का भी शौक हुआ, और फिर वो रुचि कॉलेज में कंटिन्यू हुई। और जब कॉलेज करता था मैं तो एक्टिंग भी करता था और ड्रामा भी डायरेक्ट करता था, और एज अ कॉलेज स्टूडेंट मुझे बहुत अवार्ड्स मिले। मतलब मुंबई में ऐसा कोई अवार्ड नहीं था एज एन एक्टर और डायरेक्टर जो मैंने लिया नहीं उस समय। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स तक मैंने मास्टर ऑफ साइंस किया है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ तक मैं कॉलेज से ड्रामेटिक्स में जुड़ा हुआ था और साइंस में था, पर बहुत अच्छे से नाटक करता था, बहुत ज़्यादा नाटक करता था और पूरा नाटकों में इन्वॉल्व था। एमएससी होने के बाद कॉलेज ने मुझे अपॉइंट किया एज अ कॉलेज ड्रामा डायरेक्टर, तो 3-4 साल वहाँ पर ड्रामा डायरेक्टर काम किया। फिर मेरी रुचि जो थी वो फिल्मों में भी ज़्यादा थी, तो मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि मैं फिल्मों में कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मेरे एक दोस्त है संतराम वर्मा, वो भी अभी सीरियल डायरेक्टर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, तो उन्होंने मुझे अजीज मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा, मंजुल सिन्हा, इनके यहाँ पर पहला काम दिया। जो मैंने पहला काम वहाँ पर शुरू किया एज असिस्टेंट प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे काम दिया। वहाँ से मेरी एंट्री हुई बॉलीवुड में, और बाय गॉड्स ग्रेस सब बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर आसपास हुआ करते थे। कुंदन शाह थे वहाँ पर, सुधीर मिश्रा थे, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा थे, मंजुल सिन्हा थे, अशोक पंडित आते थे, संजय छेल वहाँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे, तो माहौल अच्छा था। और वहाँ से जो शुरू किया वो अब तक उसी फील्ड में हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। अंकुश मौला जो है वो एनएम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं मिठीबा में पढ़ता था, तो ये हम दोनों नेबरिंग कॉलेज के थे। तो जब कॉम्पिटिशन्स होती थी इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स, तो हम एक साथ ही कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते थे, वो एनएम से लेते थे, मैं मिठीबा से लेता था, तो हम दोनों एक दूसरे को वैसे जानते थे कि वो भी एक्टर है मैं भी एक्टर हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्शन की तरफ चला गया, तो एक्टिंग से मेरा वास्ता थोड़ा सा कम हुआ, पर मेरे काफ़ी दोस्त, मैंने जैसे संतराम वर्मा के बारे में बताया था, वैसे ही एक दोस्त है दीपन देसाई, तो दीपन देसाई उस समय ग्लेन अंकुश के साथ असिस्टेंट का रोल करता था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है, और तब जब अभी भी मेरे बाल जैसे लंबे हैं, पर तब मैं थोड़ा सा और दाढ़ी वाड़ी रखता था, खुखार डरावना दिखता था, ऐसे लगता था ये अजीब सा आदमी है, वैसे था नहीं, मैं नॉर्मल आदमी था, पर दिखने में बड़ा अजीब दिखता था और डरावना दिखता था, एक लोग डरते थे देखकर, लुक ही वैसा था। तो उन्होंने कहा कि एक पागल का रोल है, वो आपको करना है, तो मैंने कहा मैंने एक्टिंग अभी करता नहीं हूँ, तो उसने कहा कि नहीं एक ही एपिसोड है, एक एपिसोड है करो, उसके बाद वो पागल मर जाता है, वो पागल जो एक साइंटिस्ट के साथ काम करता है एज एन असिस्टेंट, पहले वो असिस्टेंट साइंटिस्ट होता है, फिर वो किसी डरावनी जगह जाता है, वहां पर कुछ भूत का इफेक्ट, जोकर का इफेक्ट होता है, और फिर वो दोनों पागल होते हैं और दोनों मर जाते हैं। ये मुझे कहा एक एपिसोड करना है, तो प्लीज प्लीज करो, आपके जैसा लुक चाहिए, पागल बहुत कम मिलते हैं, एक्टर सारे चिकने चुपड़े होते हैं। मैंने ठीक है एक एपिसोड करता हूँ मैं। तो वैसे दीपन ने मुझे सेट पर इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, ये एक्टर ठीक है। मेरे साथ विकी करके एक और थे, दो पागल रहते, एक पागल पहले से ही वहां रहता है, और एक जो जूनियर साइंटिस्ट मैं था, मैं फर्स्ट एपिसोड में एंटर करता हूँ। तो दीपन देसाई ने मुझे वहां लेकर गया वो के सेट पर, और मेरा पहला एपिसोड हुआ, पर मेरा और विकी का जो सीन था, शॉट था, जहाँ पर फाइनली वो जोकर है जिसने पहले विकी को कैप्चर किया हुआ रहता है, मतलब उसकी आत्मा को कब्जे में कर लिया होता है, मेरी आत्मा भी कब्जे में करने का वो एक प्रोसेस शुरू करता है, तो वो जो सीन था जिसमें विकी के इन्फ्लुएंस से मेरे अंदर वो चीजें आती है, मैं पजेस्ड होता हूँ या मुझ पर जोकर की बाधा होती है, तो वो सीन जो था वो इतना अच्छा हुआ, तो शायद चैनल वालों ने कहा कि ये जो पैर है इसको आप मारो मत, ये हम आगे कंटिन्यूटी में यूज करते हैं एज जोकर्स के असिस्टेंट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अरे आपका रोल तो अभी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि चैनल वालों ने डिमांड किया है और आप दोनों का कैरेक्टर अच्छा होता है, तो साइंटिस्ट को हम मार देते हैं और आपको जिंदा रखते हैं ताकि आप कंटिन्यूटी में आगे चलते रहोगे।
अब होता क्या, ऐसे समय पर आप मना नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं उस समय डायरेक्शन में ज्यादा था, तो मैंने कहा ठीक है करो। उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, 5-6-7 एपिसोड में हो जाएगा। पर ऐसे करते करते वो एपिसोड्स चलते गए चलते गए, और कैरेक्टर वो मतलब काफी लंबा हुआ, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एंड के पहले उन लोग को मारा गया, पर काफी वो लंबा चला। और वो भी एक अच्छा सीरियल था जिसकी वजह से लोग मुझे जानने लगे। तो तब ये होता था कि मैं सड़क पर चलता था, वो करके चिल्लाते थे। दरअसल हुआ क्या था, जैसे आशुतोष गोवारीकर जी भी जो थे वो भी मिठीबाई कॉलेज के थे, श्रेयस भी मिठीबाई कॉलेज का था, तो ज्यादातर जो लोग थे वो आसपास के और जान पहचान वाले थे, तो ऐसा कभी कोई फीलिंग नहीं होता था कि। और मेरे ख्याल से उस समय सभी की सभी शुरुआत ही कर रहे थे, तो ऐसा कोई उसमें सब दोस्त जैसे ही थे और सब एक दूसरे को जानते थे कि अरे ये अच्छा एक्टिंग करता है, ये अच्छा एक्टिंग कर रहा है। जैसे मैं जब मिठीबाई में स्टूडेंट था तो आशुतोष गोवारीकर ड्रामा डायरेक्ट करते थे हमारे कॉलेज के, मैं स्टूडेंट था, मैं एक्टिंग करता था। उनके साथ मैंने एक्टिंग नहीं की, पर क्योंकि वो इंग्लिश ड्रामा डायरेक्ट करते थे और हमारा ग्रुप हिंदी का था, तो पर जान पहचान थी, वो एक दूसरे को जानते थे कि हाँ ये मिठीबाई का एक्टर है, तो काफी नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता था। और ग्लेन अंकुश भी जानने लगे थे, और वो भी जानते थे कि ये अपने ही बिरादरी वाला है, ऐसा कोई बाहर से एक्टर आया हुआ नहीं है, ये अपने बिरादरी वाला एक्टर है, हम लोग सब साथ में काम करते, तो काफी फ्रेंडली होता था। और उसका बहुत वो का एक बहुत खास बात वो थी कि उस समय उन्होंने जो कैमरा टेक्निक और कलर्स वगैरह यूज किए थे, तो वो सब लोगों को मतलब सारे एक्टर्स को वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, तो हमारा सबका ध्यान वही रहता था कैसे लाइटिंग कर रहे हैं, कैसे कलर्स हाईलाइट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, वो स्पॉट्स वगैरह डालकर। तो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप थी, बातचीत थी, कभी कोई ऐसे फील नहीं होता था डायरेक्टर से लेके सारे एक्टर। हाँ, जैसे सोनाली जी का आपने नाम लिया, उस समय सोनाली जी की मेरे ख्याल से मेरी और उसकी पहली पहचान हुई। मेरे ख्याल से उसके बाद फिर हमने एक एड फिल्म में भी काम किया था साथ में, मतलब उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, वो एक्ट्रेस थी। पर उनका स्वभाव भी काफी फ्रेंडली था, तो फ्रेंडली बहुत थी, और मामिक तो आप जानते ही है, वो फ्रेंडली भी है और हंसी मजाक करने वाले हैं, तो वो सब एक फ्रेंडली माहौल सबके साथ बना था, और ऐसे कभी लगा ही नहीं कि लोग शूटिंग कर रहे हैं, एक फैमिली एटमॉस्फेयर था, टेक्निकली बहुत एक्सेलेंट काम हो रहा था, परफॉर्मर सारे अच्छे थे, सभी परफॉर्मर्स मतलब मंझे हुए परफॉर्मर्स थे, और डायरेक्टर्स ने भी काफी अच्छा उसको उस सारे प्रोजेक्ट को जमाया था, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक यादगार प्रोजेक्ट है टीम वर्क के वजह से, टेक्नीशियन से लेके आर्टिस्ट तक। और आप जानते होंगे कि उसका जो मेन जर्म है वो एक किताब से लिया था, उसकी किताब थी वो, हाँ IT। तो वो मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि ऐसी ऐसी किताबें आप पढ़ना, मैं पढ़ नहीं पाया था, पर उस किताब से रिलेटेड सीरियल में काम किया तो फिर मुझे आइडिया आया, उसके बाद मैंने जाके वो किताब पढ़ी कि देखते हैं IT क्या है वो, तो काफी मजा आया, और हर सीन बहुत इंटरेस्टिंग होता था, और हर एक्टर के साथ अलग एक काम करने में बहुत मजा आता था तभी। देखिए जैसे आशुतोष जी है, मामिक जी है, सोनाली जी है, उनके साथ मेरा ऐसे पर्सनल रिलेशन जनरली नहीं था, काम के सिलसिले में ही हम लोग मिलते थे। पर आशुतोष जी जानते हैं कि मैं थिएटर डायरेक्ट करता हूँ और फिल्म और सीरियल भी डायरेक्ट करता हूँ, मामी जी भी जानते हैं कि मैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ, और सोनाली जी मुझे जानती है कि मैं थिएटर डायरेक्ट करता हूँ और थिएटर एक्टर हूँ, तो जब भी मिलते हैं तो एक रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के लिए काफी कंपैशन के साथ रिस्पेक्ट बहुत होता है। सोनाली जी का एक इंटरेस्टिंग बात करने का तरीका है, वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और सामने वाला जो एक्टर है उसको काफी एनकरेज करके और उनको एक अलग लेवल से पे ले जाकर बात करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट और जो एक देखने का नजरिया उनका है वो बहुत पॉजिटिव होता है, तो हमेशा जब भी मिलते हैं तो उसी, कभी भी मिलेंगे मतलब
दस साल हुए, आठ साल हुए, पांच साल हुए, 15 साल हुए, जब भी मिलेंगे तो वो रिलेशनशिप और इंटरेक्शन उसी लेवल का होता है। आशुतोष जी की पर्सनालिटी अलग है थोड़ी सी, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट है और वो थोड़ा सा उस तरह से मिलते हैं और इसी तरह से बात करते हैं। मेरी ज्यादा उनसे अभी इंटरेक्शन नहीं होती। मामी के साथ इंटरेक्शन से ज्यादा मुलाकातें, एक्सीडेंटल मीटिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वो रहते अंधेरी वेस्ट में है और अंधेरी वेस्ट में हमारा काफी काम चलते रहता है, क्योंकि सारा जो थिएटर का काम है, एक्टिंग वर्कशॉप का काम है, फिल्म का, सीरियल का, वो ज्यादातर उसी इलाके में होता है, तो उनसे मुलाकात काफी होती है। तो वो भी उनका तरीका थोड़ा सा मजाक करने वाला है, थोड़े मिस्चीवियस भी है साथ साथ, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मिस्चीव करते करते फिर एक दो लाइन वो थोड़ा सा सीरियसली और प्रैक्टिकली और गंभीर तरह से बोलते हैं, वो उनका तरीका रहा है। तो कितने सालों बाद भी हम मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद हम कल काम कर रहे थे और कल के बाद फिर आज मिल रहे हैं। तो वो एक दूसरे के साथ जो रिश्ता था वो वैसे ही है और वो कभी टूटता नहीं है। कभी भी मिलेंगे तो शायद हम एक दूसरे के साथ वैसे ही मिलेंगे। मैंने उस वो एपिसोडिक सीरियल हुआ करता था, तो उसमें कैसे था कि हमें एपिसोड सबमिट करने पड़ते थे, पहले स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ती थी, स्क्रिप्ट अप्रूव होती थी और फिर हमें कहा जाता था कि हाँ इसके ऊपर आप सीरियल बनाओ। तो उसमें मेरे ख्याल से मैंने 2 या 3 एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे और उसमें मेरे एक दोस्त भी हैं आफ्ताब हसनैन, तो वो भी अच्छे राइटर थे, तो उनके साथ मिलकर करते थे कभी, मतलब एक मैंने डायरेक्ट भी किए थे और उसके लिए लिखे भी है, राइट भी किया हुआ, मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो जो हमने जो स्क्रीन पे लिखा था वो अंकुश और ग्लेन ने डायरेक्ट किया था, तो ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे। जैसे मैंने लिखा हुआ एक आध एपिसोड ग्लेन अंकुश ने डायरेक्ट किया होगा, फिर आफ्ताब भाई ने लिखा हुआ एपिसोड मैंने डायरेक्ट किया होगा, तो हमारा और ये सारी टीम जो है वो थिएटर वाली ही टीम थी, जो थिएटर में लोग इंटर कॉलेजेट में जो शुरुआत हुई थी वही आगे चल के एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो उसका एक्सपीरियंस ऐसे था कि वो कंटिन्यूटी नहीं होती थी एक फिल्म के जैसे, जैसे एक जोन भी आता था तो उसमें एक आपको फिल्म के जैसे एक स्टोरी लिखनी है जो शुरू होगी और खत्म होगी और फिर वो अप्रूव करा के फिर उस एक एपिसोड के ऊपर या एक स्टोरी के ऊपर कंटिन्यूस काम करना है। तो वो एक्सपीरियंस लगभग फिल्म के जैसा होता था, जैसे हम फिल्म डायरेक्ट करते हैं उसी के जैसा एक्सपीरियंस होता था और उसमें फिर मजा बहुत आता था क्योंकि शुरू होती थी चीजें और खत्म होती थी और जैसे ही खत्म होती है आप एक नए स्टोरी के साथ जुड़ते हो, एक नई सोच आती है, एक नया देखने का नजरिया आपका अलग होता है, अलग स्टोरी पर अलग अलग नजरिया होता है, तो उसमें मजा बहुत आता था और काफी एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता था। हॉरर और थ्रिलर जॉनर जो है उसमें फायदा क्या होता है कि उसमें टेक्निकल काम बहुत होता है, आपको लाइटिंग के साथ, साउंड के साथ, सेट्स के साथ, कैरेक्टर्स के मूवमेंट के साथ आपको बहुत काम करना रहता है, तो उससे आपका काम इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जैसे आप सोशल ड्रामा लेंगे तो क्या होता है, या होमली ड्रामा लेंगे या कॉमेडी लेंगे, सिटकॉम लेंगे, तो एक ही जगह पर सारी चीजें जनरली हो जाती है। जैसे सोशल ड्रामा हो तो एक घर में या दो घर में, दो फैमिलीज में वो चीजें हो जाएंगी, सिटकॉम हुआ तो ज्यादातर एक ही सेट पर सारा खत्म हो जाता है, तो आपके पास डायरेक्टर के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, जो भी होता है वो एक्टर्स कर लेते हैं और अच्छे से संभाल लेती है। हॉरर और थ्रिलर में क्या होता है, डायरेक्टर को करने लायक बहुत होता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकता है, बहुत इम्पैक्ट दे सकता है और डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उस सीरियल को कहीं से कहां ले, मतलब जमीन से उठा के आसमान पर ले जा सकता है। तो वो काम करने का मौका ये अनहोनी प्रोजेक्ट से हमें मिला था। नहीं, दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि जैसे एक एक्टर होता है वो अलग अलग रोल करता है, उसी तरह डायरेक्टर भी अलग अलग रोल करता है, उसको उसे जो जैसे मुझे जो स्क्रिप्ट मिलेगी मैं फिर उसको पढ़कर उसके मूड में अपने आप को ढाल देता हूँ, तो हर स्क्रिप्ट का वही एक क्या तरीका होता है।
और मेरा मेरा जो काम करने का या मैं जो काम कर सकता हूँ उसमें मेरा कैसा है कि मैं खुद बहुत फ्लेक्सिबल हूँ जॉनर्स को लेकर। जैसे मैं ड्रामा भी कर सकता हूँ, मैं सोशल ड्रामा भी कर सकता हूँ, एक्शन कर सकता हूँ, थ्रिलर कर सकता हूँ, हॉरर कर सकता हूँ, अलग अलग जॉनर्स के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं उनमें बिलीव भी करता हूँ। मैं ऐसे मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे अपने आप, मैं ये खुद अपने आप से ज्यादा कहता हूँ, तो उसके वजह से फिर उन्होंने जाकर वहां एलिजाबेथ भी की, हॉलीवुड में जाकर एलिजाबेथ भी की उन्होंने। तो उनके पास वो एक तरीका है कि वो जो स्टोरी उनके पास आती है उसके हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट, अपना नरेशन का जो स्टाइल होता है वो चेंज करते हैं। शायद वो अपनी टीम भी उसके हिसाब से ही सिलेक्ट करते होंगे। तो आप देखिए हर फिल्म अलग अलग दिखती है और हर फिल्म ऐसे लगता है कि उसी जॉनर से रिलेटेड है। अगर वो हिस्टोरिकल ड्रामा है तो हिस्टोरिकल ड्रामा लगता है, अगर वो ट्रू लाइफ स्टोरी है, बायोग्राफिकल फिल्म है तो बायोग्राफिकल लगती है, और अगर वो आउट एंड आउट बॉलीवुड कमर्शियल है तो बॉलीवुड कमर्शियल लगती है। तो वो एक फायदा होगा डायरेक्टर को और एक्टर को अगर वो ओपन रहे। तो हम हमेशा ओपन रहे क्योंकि हमें भी जब कॉलेज में डील करते थे स्क्रिप्ट्स के साथ तो ऐसा होता था कि हर कंपटीशन का भी एक अलग अलग जरिया और अलग अलग उनकी पहचान होती थी कि इस कंपटीशन में ये चलता है, इस कंपटीशन में ये नहीं चलता। जैसे यूथ फेस्टिवल में ज्यादातर सोशल टॉपिक चलते थे तो हमें वहां पर हर चीज सोशल करनी पड़ती थी कि समाज से रिलेटेड मैसेज ओरिएंटेड काम करना पड़ता था। अगर इत्ता करे तो सोशल के साथ आपको कमर्शियल वैल्यूज भी दिखाने हैं, पूरा तामझाम लेकर जाना है। तो उसकी प्रैक्टिस और ओपननेस जो थी उसके वजह से कभी शिफ्टिंग करने में एज एन एक्टर भी शिफ्ट जॉनर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई और एज अ डायरेक्टर भी जॉनर शिफ्ट करने में और मीडियम शिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि हमें काफी कंफर्टेबल फील होता है जब भी हम कहीं पर कुछ भी काम करते हैं। एक बार वो समझ में आया कि रिक्वायरमेंट क्या है तो हम उसमें ढल जाते हैं। त्रिदेव जी देखिए, जब मैं थिएटर करता था तब शुरुआत मेरी एज एन एक्टर हुई, मैं खुद एक एक्टर था। इसका एक बहुत मजेदार किस्सा है। हम एक्टर थे, जैसे मैं और मेरी टीम एक्टर थी। मेरे साथ एक मेरे और मित्र थे, अरुण रंजन का नाम है उसका, वो भी सीरियल डायरेक्ट करते हैं अभी। तो हम दोनों एक्टर थे, अवार्ड विनिंग एक्टर थे। तो हमेशा एक बाहर से डायरेक्टर आता था और कॉलेज के बच्चों को डायरेक्ट करता था। तो हमारे एक रेगुलर एक्टर थे जिनका नाम था अंशुमली रूपारे। वो बहुत ही उस जमाने के इंटर कॉलेज के बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत टॉप डायरेक्टर जिसको बोलते ना, वैसे थे वो। तो वो हमें डायरेक्ट करते थे और हमारा कॉलेज काफी प्राइजेस, बहुत सारे प्राइजेस लेकर आता था। उस समय मिठीबाई कॉलेज का नाम इतना मशहूर था कि जब इंटर कॉलेज में मिठीबाई कॉलेज पार्टिसिपेट करती थी तो बाकी के कॉलेज डिप्रेस हो जाते कि मिठीबाई कॉलेज आया, अब तो प्राइज हमारा गया, वाकई डिप्रेस होता। और हाँ, और हमारा कैसे था कि कॉलेज अलाउ नहीं करती थी ज्यादा कॉम्पिटिशन करने के लिए क्योंकि कॉलेज का एक बजट भी होता था। पर जब से हमने एज स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया तो हमारे ये था ना सब कॉम्पिटिशन में जाना है, हमको तो सब करना है। तो उसके वजह से क्या होता था, स्टूडेंट बोलते थे ये तो ये भी कॉम्पिटिशन नहीं छोड़ रहे, यहाँ भी आ गए, वहां भी, सब जगह पर यही रहते। एक साल ऐसे हुआ कि साल की शुरुआत होती है तो कॉलेज ने ऐसे कहा कि आपके जो डायरेक्टर है उनको हम नहीं बुलाएंगे। तो हमें लगा अरे क्या करें, मतलब वो तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बगैर एक्टर कैसे काम कर सकता है। तो हमने कॉलेज को बहुत रिक्वेस्ट की पर उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ तो गड़बड़ थी उनके आपस में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप कुछ भी करो हम नहीं बुलाएंगे। तो हमने कहा था अब क्या करें, और कॉम्पिटिशन्स नज़दीक आ रही थी तो ग्रुप था, उन्होंने क्या कहा कि देखो जब डायरेक्टर नहीं आते तो मैं और अरुण आप दोनों ही हमारी चीज़ें पॉलिश, रिहर्सल्स आप ही कंडक्ट करते हो, आप पॉलिशिंग करते हो, आप ये करते हो, तो ऐसा करो जब तक कोई दूसरे डायरेक्टर नहीं आते तब तक आप ही डायरेक्टर बन जाओ और जो प्लेज हमने किए वो करते जाओ। तो अभी देखो कॉलेज की जिम्मेदारी है, कॉलेज में सब कुछ करना पड़ता है, झाड़ू भी मारनी पड़ती है, खाना भी लाना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है, म्यूजिक करना पड़ता है, स्लाइड्स करनी पड़ती है, सब करना पड़ता था।
तो हमने कहा ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हमने वो शुरू किया। तब से हम डायरेक्टर बन गए। तो इंटर कॉलेज में, कॉलेजेट में हमारा नाम आता था अरुण मुकेश। तो उसमें हमें, उसमें हमने काफी प्राइजेस जीतने शुरू किए। तो जब प्राइजेस जीतने शुरू किए तो कॉलेज ने, अरे आप ही प्राइज जीत रहे हो तो बाहर के डायरेक्टर को लाने की क्या जरूरत है, बाहर के डायरेक्टर को पैसा देना पड़ेगा, आप तो स्टूडेंट है, आप तो पैसा भी नहीं लोगे। तो कॉलेज के लिए और कॉलेज का रेपुटेशन रखने के लिए हमने डायरेक्शन में, हम डायरेक्शन में कूद गए। वहां से जो डायरेक्शन की छाप लग गई, और छाप से ज्यादा लत लग गई। एक लत होती है, आपको एक फर्क होता है त्रिदेव जी, एक फर्क होता है। एक्टर जो होता है वो डायरेक्टर को फॉलो करता है, जो डायरेक्टर बताएगा वो करता है। और डायरेक्टर जो होता है वो सेट का कैप्टन होता है, वो सब कुछ खुद करता है और सब उसकी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा फायदा हुआ और वो धीरे धीरे हमें इंटरेस्टिंग लगने लग गया, और फिर हम उसमें और इन्वॉल्व होते गए। जब हम लोग थिएटर से, इंटर कॉलेज से, मेरा शौक था कि मैं काम करूं, कि मुझे फिल्म में बहुत इंटरेस्ट था, कि फिल्म मुझे काम करना है। तो मुझे वहां पर लोगों ने एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट मुझे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम करते करते पता चला कि कुंदन शाह के यहाँ पर वैकेंसी है, उन्हें एक असिस्टेंट चाहिए। तो मैंने कुंदन जी को कहा कि सर मैं असिस्टेंट करना चाहता हूँ। तो वो तो जानते थे मुझे, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में, तो उसने तू करेगा? हाँ सर करूँगा। तो थिएटर वेटर किया हुआ है ना? तो हाँ थिएटर वेटर किया हुआ है मैंने। बोलते ठीक है ज्वाइन हो जा। तो कुंदन शाह जो थे वो कमाल के आदमी थे, मतलब आदमी इंसान जो होता है ना, आपको ऐसे बहुत कम इंसान दिखने मिलते हैं जिनके पास इस तरह की क्वालिटीज होती है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, जिसको बोलते हैं कि उस उनके जैसा इंसान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। इतने अलग तरह के इंसान थे, अजीब मुंह में आ रहा था पर वो अजीब ही थे, अलग थे। और तो वह ऐसे ही कर दे, अच्छा ठीक है आ जा ज्वाइन हो जा। तो ज्वाइन किया मैंने, और हमारी जो पहली फिल्म थी वो थी लवेरिया, जो ABCL प्रोडक्शन की थी। और उसमें हमने फर्स्ट असिस्टेंट एज अ काम किया। तो क्योंकि एक कंट्रोल था एक एक्टर्स के ऊपर, और जो मीडियम है एंटरटेनमेंट का जो मीडियम है उसके ऊपर कंट्रोल था, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर चुका था तो मुझे वो सारे न्यूएंसेस पता थे कि कैसे सीन्स ब्लॉक करने हैं, लाइटिंग क्या होती है, ये बेसिक चीजें पता थी। तो नौसिखे नहीं थे, तो कमांड था और हम कमांड के साथ बात करते थे, हमने एज असिस्टेंट कभी बात नहीं की। और कुंदन जी ने भी हमें ऐसा मौका दिया कि वो हमें एज इक्वल ट्रीट करते थे, हमारी राय पूछते थे स्क्रिप्ट के बारे में, सीन्स के बारे में। और हम जब भी बात करते तो कॉन्फिडेंटली कहते थे कि सर ये सीन बराबर नहीं है, ये एक्टर बराबर काम नहीं कर रहा है। तो उन्हें ये पता चल गया कि मैं एज एन एक्टर, मैं खुद बहुत बढ़िया एक्टर हूँ, उन्हें ये पता चल गया कि ये तो बहुत किस्मार खान एक्टर है, और मैं एज एन एक्टर बहुत बढ़िया था। तो उनको ये पता चल गया कि ये एक्टर बहुत अच्छा है और इसको डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे फिर एक्टर्स को, जो एक असिस्टेंट होता है जो एक्टर्स को तैयार करता है, जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी कि तू एक्ट्रेस के साथ डील कर, तू उन्हें सीन समझा, उनसे क्या करवाना है। तो वो मैंने शुरू किया। तो मतलब यहाँ तक थी कि करिश्मा कपूर जी को भी मैं बता देता कि एक्टिंग कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुकेश तू करके बता। तब मुझे बड़ा अटपटा लगता था, अरे करिश्मा कपूर इतनी बड़ी स्टार है, राजा हिंदुस्तानी अभी अभी बम्पर सुपर डुपर हिट हुई है, और मेरा डायरेक्टर मुझे कह रहा है मुकेश तू बता कैसे करना है। तो वो ट्राई करती थी कि मैं सर ऐसे करूं, तो बोलता कि नहीं ऐसे नहीं, मुकेश तू करके बता ना। तो अजीब लगता था ना, ज्यादा करके। फिर सर बोलते थे कि हाँ ये जैसा करता है ना वैसे आप करो, पर वो मानती थी क्योंकि उन्हें पता था कि हम कैरेक्टर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, शायद कुछ कैरेक्टर्स वो नहीं कर पाते, शायद उन्होंने देखे नहीं होते, और हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स लाइफ में देखे हैं, वो कैरेक्टर स्क्रीन पर ला सकते। तो वो ट्रेनिंग मुझे तब से मिली, और तब से मैं स्क्रीन फिल्म में भी एक्टर्स को ट्रेन करता था, सीन्स कैसे करने वो समझाता था। तो वो एक फायदा मुझे वहां पर हुआ। एक बहुत ही अजीब अजीब किस्सा है, अनुपम खेर जी के साथ ये थोड़े से किस्से हुए जो थोड़े अजीब है। अजीब इसलिए कि पहला दिन हमारा शूटिंग का था, अच्छा दो किस्से हुए। पहला दिन शूटिंग का था, क्या कहना कि राज कपूर के स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। फर्स्ट डे पे मुकुल देव
मेन रोल कर रहा था और हम लोग सुबह से लेके 6 बजे तक वेट कर रहे थे और मुकुल देव आए ही नहीं वहां पर सेट पर। वेट वेट कर करके हम थक गए कि अरे आए नहीं आए। फर्स्ट सीन था मुकुल देव, अनुपम खेर और नवनीत निशा, इनमें वो फर्स्ट सीन था। अनुपम खेर जो है अपने बेटी के लिए नवनीत निशा और मुकुल देव के पास आते कि प्लीज मेरी बेटी प्रेग्नेंट है तो मुकुल देव के साथ उसकी शादी करा दो नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट डे मुकुल देव आए नहीं और उनका ऐसे मैसेज आया कि वो बीमार है। तो मैंने कहा ठीक है बीमार है। फिर उनका मेकअप मैन वहां था और मेकअप मैन ने ऐसा न्यूज दिया कि वो बीमार नहीं है सर, वो दूसरे कहीं जगह पे शूटिंग कर रहे हैं। तो ये बात सबको पहुंच गई, कुंदन शाह को पता चल गई, रमेश तौरानी प्रोड्यूसर थे उनको पता चल गई। बोला कि यार ये कैसे बात है। तो उन्होंने मुकुल देव जी से बात की और मुकुल देव जी ने कहा कि सर सॉरी सॉरी, मैं वो सेट में फंसा हुआ था तो मैं आ नहीं पाया। पर उस समय रमेश जी ने और कुंदन जी ने डिसीजन लिया कि अगर पहले दिन मुकुल देव जी जो है वो हमें इस तरह से गलत बताते हैं तो फिर उनके साथ आगे कैसे काम करेंगे हम। तब मुकुल देव को हटाकर सैफ अली खान को वो रोल दिया गया और सैफ अली खान पिक्चर में आए क्या कहना में। और सैफ अली खान का भी वो एक तरह से कमबैक था क्योंकि टिप्स के रमेश तौरानी जी ने उनको मल्टीपल फिल्म्स के लिए साइन किया था। अब दूसरे दिन सेम सेट पर मैंने जो सीन बताया, अनुपम खेर, सैफ अली खान और नवनीत निशा, तो अनुपम खेर जी की एंट्री हुई और उन्हें सीन बताया गया था जो फिल्म का क्लाइमैक्स था। ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, पूरा लव स्टोरी वगैरह सब हो जाता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और बाप जो है वो बेटे की माँ के पास जाता है नवनीत निशान जी के पास जो बहुत अमीर है और कहता है कि प्लीज मेरे बेटी से आपके बेटे की शादी करा। तो अनुपम खेर जी आए सेट पर और पूछा मुझे क्या करना है। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये सर आपका सीन है। कुंदन तू क्या कर रहा है, मतलब सीन में फिल्म में मेरी एंट्री नहीं हुई है, मैंने कोई एंट्री का सीन नहीं किया, कुछ नहीं किया है। फिल्म में कैसे होता है, सेट के हिसाब से सीन शेड्यूल होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सीन। उस दिन उन्होंने वो सीन किया ही नहीं। फिर कुंदन को समझाया, पूरी कहानी बताई कि ये ऐसा है, ये सेट पर हो रहा था कि आप पहले सीन में ऐसे आते हो वैसे आते हो, इमोशनल ड्रामा ये है और अब आप जाकर ये क्लाइमैक्स प्री क्लाइमैक्स सीन पर पहुंच गए, को गिड़गिड़ा कर भीख मांगनी है, उसके बाद वो सीन हुआ। तो ये सारी टेक्निकल चीजें होती है जो ड्रामा में और फिल्म में फर्क ये होता है कि ड्रामा में सब आप एक साथ करते हो और फिल्म में क्या होता है कि टुकड़े टुकड़े में यहाँ वहां के सीन शूट किए जाते हैं तो एक्टर को और डायरेक्टर को वो लिंक अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, तो कैसे लिंक रखे। तो ये एक किस्सा था। फिर एक किस्सा था कि प्रीति जिंटा को एक सीन था जहां पर वो स्टेज पर कमिट करती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हुई क्योंकि मैंने प्यार किया था और मैंने उस आदमी पे विश्वास रखा, वो पूरे जनता को ये बात बोल देती है। तो लंच तक उससे ये सीन हो ही नहीं रहा था, परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी। तो कुंदन जी ने मुझे कहा कि मुकेश अगर तू लड़की होता तो ये सीन कैसे करता था। तो मैंने कहा सर, तो बोलता कि मैं पढ़ के बताऊँ, तो बोलता नहीं पढ़ के मत बता, परफॉर्म करके बता। मैंने बोला सर मुझे डायलॉग तो याद है, बोला जितना भी याद है जैसे भी याद है बोल। तो उन्होंने एक्शन बोला और सेम सीन जहाँ पर वो लड़की जो है कुर्सी मतलब ऑडियंस में से बैठकर स्टेज पर जाते और पूरा डायलॉग बोलते वो पूरा मैंने किया और उसी दरमियान प्रीति जिंटा वहां पर आई थी लंच खत्म करके, तो वो देख रहे थे। तो उसने देखा अच्छा मुकेश ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहा है। फिर कुंदन जी ने प्रीति जी को कहा दिखा उसने क्या किया, तो तुझे वो पकड़ना है। उसके बाद लंच के बाद उन्होंने शूटिंग शुरू की और मेरे ख्याल से रात के 10:30 बजे तक फिर वो सीन खत्म कर पाई। किससे हुए थे, हाँ इंटरेस्टिंग चीजें होती है कि कैसे चीजें अटक जाती है। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई एक बंदा रहता है वो रास्ता निकाल सके तो फिर वो चीजें आगे बढ़ जाती है। इसीलिए थिएटर का एक्सपीरियंस रहना फिल्म वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मामिक सर एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा बहुत मस्तीखोर हुआ करते थे, कुछ ना कुछ उनकी मस्ती चलती थी पर चेहरा बहुत इनोसेंट रखते थे और बहुत ग्रेसफुल रखते, तो ऐसी मस्तियाँ बहुत होती थी। पर उनका एक जो मुझे याद है उनकी एक सीन थी जिसमें वो फैमिली को बताते कि मेरा जो मुझे क्या क्या सहना पड़ता है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है ये देखकर मुझे क्या क्या सहना पड़ता है, समाज के सामने कैसे से जाना पड़ता है। तो जो जीता वही सिकंदर में मामिक जी का सीन उतना इंटेंस या उतना डायलॉग बाजी वाला नहीं था,
उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लविंग, प्यारा, क्यूट, कडली, अच्छा कैरेक्टर था, पर क्या कहना है उन्हें, वो धुआंधार डायलॉग बोल लेते हैं इमोशनल, तो उन्हें भी साथ वो थोड़ा पहले पहले, पर उसके बाद मामिक जी ने इतना अच्छा डेवलप किया, इतना अच्छा डेवलप किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मामिक जी का उस फिल्म का सीन जो है जहाँ पर वो ये बताते हैं कि मुझे एज अ ब्रदर क्या क्या सहना पड़ता है जब मेरी बहन जो है बगैर शादी के प्रेग्नेंट हुई है, वो सीन उनकी लाइफ का इमोशनल ड्रामा में से सबसे बेस्ट सीन है। वो तो जनरली डायरेक्टर की मस्ती बहुत करते थे, जी के साथ बहुत मस्ती करते थे, तो वो सारे जैसे एक इस पर अपने एक सेट सीरियल थी शी कोई हो कोई है कई, तो एक उस पर गए थे जहाँ सेट पर गए थे, तो सब ने ये बात ये कर दी कि यहाँ पर कोई भूत है, भूत है, तो रात रात का समय था, रात की शूटिंग थी, तो ऐसे ही शायद किसी स्पॉट बॉय से या ड्रेसमैन से किसी को ऐसे जोर से चीख मारने के लिए बोला, जैसे उसने चीख मारी तो पूरी यूनिट घबरा गई और थोड़ी देर के लिए शूटिंग बंद हुई। फिर पता चला कि ये सब इनकी मिली जुली कारस्थान थी, मामिक जी और बाकी सब जो असिस्टेंट और एक्टर, कि उन्होंने लोगों को डराने के लिए सब किया, पर वो जो लड़कियां थी वो बेचारी बहुत डर गई थी कि नहीं नहीं अभी हम लोग यहाँ पर रात को अकेले रुकेंगे नहीं, तो फिर सब लड़कियों को पैर अप करके सेट पर रखा गया था कि भैया डरो मत, ये सब ऐसे हम लोगों ने नाटक किया है और कुछ, और हॉरर सीरियल था उस पे ये हॉरर, वो लोग कैमरे के पीछे भी ये हॉरर चीजें करते थे, तो मामिक जी का वो है थोड़ा सा, वो टांग खींचने में और मस्ती करने में बहुत एक्सपर्ट है, छोटी छोटी मस्तियां तो सेट पर चलती रहती थी, हमेशा चलते रहते थे। और एक बार ऐसे हुआ कि क्या कहना के सेट पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे और लंच के बाद मामी जी का सेट था, सीन था, तो लंच के बाद मामी जी सी गायब ही है सीन पर कहीं, मतलब सेट पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने कहा क्या क्या हुआ, कहाँ गए, तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा नहीं मिले, फिर फोन किया तो फिर पता चला कि वो कहीं होटल में थे और खाना खा रहे थे, तो मुझे क्या हुआ, तो बोले ना यार क्या करे, आपके सेट पर का खाना इतना खराब रहता है कि मैंने सोचा कि मैं वहां, और जू में शूटिंग थी तो कहीं जाकर होटल में खाना खा के फिर वापस आकर, बोला कि अरे सॉरी मैं खाना खाने के लिए निकल गया था, तो ऐसे थोड़ी मूडी भी है वो, आपको भी पता होगा मूड के ऊपर काफी डिपेंड करता है। वही बड़ा अजीब किस्सा था, एक्चुअली मेरे लंबे बाल की वजह से ही सब लोग मुझे पकड़ के ले जाते थे, तो कोई है मैं महीम करके क्रिएटिव डायरेक्टर थे, तो उनका भी मुझे फोन आया कि सर सर एक रिक्वेस्ट है, महीम जी जो थे वो मेरे ड्रामा ग्रुप में एक्टर थे, तो मैंने कहा क्या हुआ महीम, तो बोलता कि सर एक सीरियल है इश्कोई है, उसमें एक ही एपिसोड करना है आपको, क्या कैरेक्टर, तो बोलता कि हमें थिएटर वाला बंदा इसलिए चाहिए क्योंकि वो डाकू है, तो डाकू अगर होगा तो उसको उस अंदाज में डायलॉग बोलने हैं और मतलब थोड़ा ड्रामेटिक एक्टिंग होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला अरे महीम मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं डायरेक्टर हूँ, तो उसने कहा कि सर और कोई एक्टर मिल ही नहीं रहा है जो उस रोल को कर पाए, तो आप प्लीज एक एपिसोड कीजिए, एक एपिसोड के बाद वो खत्म हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है मैं एक एपिसोड मैं करता हूँ, और मैंने एक एपिसोड किया वो, और सेम चीज हुई वापस, स्टार वालों ने कहा कि नहीं ये कैरेक्टर इतना अच्छा है इसको आप रिपीट लेकर आओ, कंटिन्यूटी में लेके आओ, और फिर मैं वापस कंटिन्यूटी में फंस गया वहां पर भी स्टार के साथ, तो वैसे मैं मतलब मेरे जो दोस्त थे वो थोड़ा सा मेरा लुक जानते थे और मेरे एक्टिंग की स्टाइल जानते थे कि ये थिएटर वाला है तो ड्रामेटिक कर सकता है, तो वो मुझे बुलाते थे, मैं जनरली ऑडिशन देकर या ऐसे कभी मैंने जनरली बहुत कम एक्टिंग की है। उसमें एक एक्शन सीक्वेंस था, तो जनरली मामिक और मेरी लड़ाई होती है, मतलब हम दोनों जो पंचेस होते हैं ना एक दूसरे को पंचेस देने होते हैं, तो मेरे ख्याल से पहला ही एक्शन सीक्वेंस था, तो उस पहले एक्शन सीक्वेंस में हम लोग लड़ रहे थे, तो मामिक का एक पंच शायद मेरे मुंह पर एक्चुअली पड़ा फाइटिंग करते करते, तो वो एक्चुअली पड़ा बाय मिस्टेक, तो मैंने मतलब मैं पीछे गया और वापस आ गया वहां पर, तो फिर उन्होंने शॉट रोक दिया और बोला कि अरे अरे रुको रुको, इनको सचमुच लग गया, और पूछा कि लगा नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं 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 लगा नहीं मैं ठीक हूँ वैसे, और मैंने कहा कि आप शूटिंग शुरू करो कुछ हुआ नहीं है,
तो शूटिंग उन्होंने शुरू की, पर शॉट खत्म होने के बाद मामी क्या बोला, अरे सॉरी सॉरी वो गलती से लग गया, मेरा भी मतलब मिस हो गया डायरेक्शन वो करना, और तुम्हारा भी थोड़ा सा मिस हो गया। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ध्यान रखना, कभी कोई आपको एक्शन सीक्वेंसेस करने बोलता है तो आप कोई ऐसी चीज मत करना जो गलत हो या गड़बड़ हो, ऐसे उन्होंने बताया था, मतलब जिससे आपको आपके शरीर को या आपके उसको नुकसान हो सकता है। तो तब से मैंने वो गार्ड बांध दिया कि एक्शन सीक्वेंस में अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या उसको धोखा नहीं देना चाहिए। वो एक्चुअली स्टार वालों का एक प्रोग्राम था, ये गुरु दक्षिणा करके, तो उसमें उन्होंने हर डिपार्टमेंट के, जैसे थिएटर, फिल्म के, म्यूजिक के, फिर फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के, कोरियोग्राफी के, सबके गुरुओं को उन्होंने वो किया था, क्या कहते हैं उसको, कि ये गुरु है, थिएटर के गुरु ये, म्यूजिक के गुरु ये, फिल्म के गुरु, ऐसे सबको नॉमिनेट किया था। तो उसमें श्रेयस जी ने मुझे कहा कि ये मेरे गुरु है तो मैं इनको वो करना चाहता, फेलिसिटेट करना चाहता। तो वो श्रेयस जी का बड़प्पन था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, और उसका मतलब एज अ गुरु, थिएटर गुरु, मुझे वहां पर स्टेज पर और टेलीविजन प्रोग्राम में सबके सामने फेलिसिटेट किया गया था। मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ पे अगर लाइफ कंटिन्यू करनी है, मतलब धरती पर अगर जीवन आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए धरती की जो प्रकृति है, नेचर है, उसका जतन करना, उसको संभालना बहुत जरूरी है। सारे जीव जो है वो प्रकृति से ही निर्मित हुए हैं, मतलब इंसान भी प्रकृति से निर्मित हुआ है। और अब क्या हुआ है कि हम भूल चुके हैं कि हमारी माँ कौन है, हमारी असली माँ कौन है, हमारी असली माँ धरती माँ है, हमारी असली माँ प्रकृति माँ है, तो हम वो भूल चुके हैं। तो हमें उसकी, लोगों को अब ये याद दिलाना है कि अपनी माँ को मत मारो, जिससे आप, जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है उसको खत्म मत करो, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगी उसके पहले इंसान खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सबको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि एक पौधा, एक पेड़ और एक जीव भी बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो करोड़ों सालों के बाद, करोड़ों सालों के प्रक्रिया के बाद पैदा हुआ है। और अगर हम अभी से बचाना नहीं शुरू करेंगे तो धीरे 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 अपने आप ही सारी चीजें खत्म होती जाएगी। लगभग हर दिन प्रजातियां खत्म हो रही, जो अलग अलग स्पीशीज है ना, वो हर दिन खत्म, नामशेष हो रही, मतलब जिसको होता है ना कि वो खत्म, वापस आएगी नहीं। तो अगर बाकी की प्रजातियां नष्ट हो रही है तो इंसान भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, और अगर हम नष्ट हो गए तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो बाकी सब भूल जाना चाहिए, वी शुड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, फॉरगेट पॉलिटिक्स, फॉरगेट रिलीजन, फॉरगेट डेवलपमेंट, फॉरगेट मनी मेकिंग। ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों का सबसे ज्यादा मूल्यवान जो ट्रेजर है या उसकी जो धरोहर है जिसके ऊपर इंसान जिंदा है, वो है नेचर, ऑल कैन, मतलब पेड़ पौधे, तालाब, ये सब। तो उसको बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कि जैसे एक हमारा है बेटर मुंबई एट याहू डॉट कॉम करके है, तो उसके ऊपर हम सब लोगों को इकट्ठा करके प्रकृति बचाने का काम शुरू कर रहे हैं। और हम फिर एक है अर्थ नेचर लवर्स करके ग्रुप है, वो मिलके पूरे इंडिया में ये नेचर बचाने की कोशिश कर रहा है। पूरे दुनिया में ऐसी कोशिश हो रही है, पर हिंदुस्तानियों को भी वो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान परंपरा में, हमारे परंपरा में ये नेचर को बहुत महत्व दिया गया है। हम भूल गए हैं और वो हमें याद दिला के उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और सबसे पहले ये दिमाग में रखना चाहिए कि किसी को भी खत्म नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकृति को हमें अब खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फैंस को मैं यही कहूंगा कि आपने वो एक
पूछा था मुझसे कि आपकी जर्नी कैसे हुई, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आर्ट इंडस्ट्री में आना है तो आपको सब कुछ त्याग कर आना पड़ता है और आपको एज अ आर्टिस्ट जीना पड़ता है, मतलब जिंदा रहना पड़ता है। आर्ट इंडस्ट्री में आके आप आधा पाँव इधर नहीं रख सकते, आपको अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है। और अगर आप जीवन समर्पित करेंगे, जीवन का समर्पण करेंगे, तो आपको उससे जो लाभ मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, जो और किसी को नहीं मिल सकता। एक एक्टर की जिंदगी, एक डायरेक्टर की जिंदगी इतनी कंप्लीट और फुलफिल्ड होती है, इतनी खुशी वाली होती है, वो खुशी आपको दूसरे कहीं पर नहीं मिल सकती।